एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें एक वुमन बताती है कि कई सालों पहले इस अर्थ पर गॉड्स एंड डीमन साथ में रहा करते थे और सभी हार्मनी से रहते थे। वो जिस लैंड पर रहते थे उसका नाम ताम्रा था, लेकिन धीरे धीरे उनमें क्लैशेस स्टार्ट होने लगे और दोनों के बनना बंद हो गए, जिसकी वजह से पूरे अर्थ पर डीमंस अपना कब्जा करने लगे। इसलिए गॉड ने अपने सारे चिल्ड्रंस को डॉल हेरबिंग में चेंज कर दिया और उन्हें हेल के गेट पर रख दिया ताकि कोई भी डीमन एंटर ना हो सके। फिर एक गाइड ब्राइड एंड ग्रूम को बताता है कि गॉड ने उन डॉल्स को हेल गेट पर रखने के साथ साथ उनके कई सारे फेक वर्जन भी बनाए ताकि डीमंस पहचान ना सके कि रियल कौन है और फेक कौन है। तभी वो फोटोग्राफी के लिए एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें दो डॉल्स रखे हुए दिखाई देती है। ब्राइड एंड ग्रूम को तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन फोटोग्राफर कहता है कि उसने दो डॉल्स कभी साथ में देखी नहीं है, प्लस ये देखने में भी बहुत अजीब लग रही हैं। लेकिन ब्राइड एंड ग्रूम तो फोटोग्राफी के लिए रेडी थे, इसीलिए फोटोग्राफर भी साइड में जाके फोटोशूट की तैयारी करने लगता है। तभी ब्राइड एंड ग्रूम उस डॉल को टच करते हैं और कहते हैं कि डॉल को टच करने से बेटा ही होगा। दोनों साथ में बहुत खुश थे। तभी हम देखते हैं कि उस डॉल्स में से लावा जैसा कुछ निकल रहा है और साइड में खड़े एक आदमी के हाथ दिखाए जाते हैं जिसमें से भी लावा निकल रहा था। तभी अचानक से वो डॉल्स ब्रेक होने लगती हैं और पूरी तरह से टूट जाती हैं और वहाँ पे होल्स हो जाते हैं जिससे ब्राइड एंड ग्रूम अंदर देखने लगते हैं। लेकिन तभी एक वियर्ड सी एनर्जी आके उन पर अटैक कर देती है। ये चीज फोटोग्राफर नोटिस नहीं कर पाता है और वो वियर्ड एनर्जी उनके अंदर चली जाती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में से स्लाइमी वर्म्स बाहर निकलने लगते हैं। जब कैमरा सेटअप करने के बाद फोटोग्राफर आगे देखता है तो उसे ब्राइड एंड ग्रूम वहाँ दिखाई नहीं देते हैं, जिसे उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो दोनों को आवाज लगाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वो स्लाइमी वर्म आ जाता है जो फोटोग्राफर को बहुत ही अजीब लगता है, जिसे फोटोग्राफर उसे अपने पैर से कुचल देता है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। जब वो मुड़ता है तो उसके पीछे ग्रूम खड़ा था। जब फोटोग्राफर उस ग्रूम को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा उसे वियर्ड लगता है, जिससे वो थोड़ा घबराता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रूम तो एक डिमोनिक फॉर्म लेने लगा है और उसके बॉडी में से हॉर्न्स निकलने लगते हैं, जिससे फोटोग्राफर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो ग्रूम उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। फोटोग्राफर खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचा पाता है। सेम टाइम पे ब्राइड भी चल के उनके पास आने लगती है। जब वो ग्रूम फोटोग्राफर को मारने ही वाला था तभी एक नाइफ आके उसे लगती है और वो वहीं मर जाता है। फिर वो नाइफ अपने ओनर के पास चली जाती है और उसका ओनर वही मिस्टीरियस मैन था जो काफी टाइम से उन दोनों को खड़े हुए देख रहा था। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है और सीधे इटली पहुँचती है जहाँ पे दो प्रीस्ट एक फोटो देखते हैं जिसमें से ब्लड निकल रहा था, जिससे वो दोनों ही बहुत ही पैनिक करते हैं। फिर हाई प्रीस्ट योहान को बुलाने के लिए कहते हैं, जिससे प्रीस्ट भागते हुए योहान के पास जाता है। वहीं पे हम प्रीस्ट योहान को देखते हैं जो कि अपने कान में हेडफोन्स लगा के एक्सोरसिज्म की तैयारी कर रहे थे। वहीं पास में एक पजेस्ड लड़की लेटी हुई थी जिसे बांध के रखा था। योहान एक्सोरसिज्म की तैयारी करके उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की उसे उल्टा सीधी चीजें कहती है लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता है। फिर वो उसके ऊपर होली वाटर डालता है जिससे उसकी स्किन जलती है और वो चिल्लाने लगती है। फिर वो एक्सोरसिज्म स्टार्ट ही करने वाला था कि तभी वहाँ पे प्रीस्ट उसे बचाने आ जाता है। फिर वो पजेस्ड लड़की उस प्रीस्ट को देख के उस पे चिल्लाने लगती है, जिससे प्रीस्ट भी डरता है। योहान प्रीस्ट के पास जाता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे अपने हेडफोन्स दे देता है ताकि उसे उस लड़की की कोई भी बातें सुनाई ना दे। फिर वो उस लड़की के पास जाता है और उस पर होली वाटर डालता है, साथ ही वो उस पर एक्सोरसिज्म स्टार्ट कर देता है, जिससे वो लड़की चिल्लाने लगती है और बहुत ही ज्यादा डरता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही हाई प्रीस्ट के पास जाते हैं जहाँ पे हाई प्रीस्ट उसे वही ब्लड वाली फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि अर्थ पे वापस वो टाइम आ गया है जब डीमंस हमला करने वाले हैं और अपनी इविल स्पिरिट हर जगह फैलाने वाले हैं, इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा। गॉड ने पहले भी एक सेवियर को बनाया था और उसे अर्थ पे इसलिए भेजा था ताकि वो डीमंस को हरा सके, लेकिन उसकी पहले ही डेथ हो गई और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई। यहाँ पर योहान बताता है कि उसे ब्लैक रोब वाले पर्सन ने मारा था ना, जिस पर प्रीस्ट हाँ करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं कि कई सालों पहले एक और सेवियर ने जन्म लिया है और हम सालों से उस पर नजर रखे हुए हैं और उसे प्रोटेक्ट करके रखे हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहीं जाओ और उस सेवियर को प्रोटेक्ट करो क्योंकि हमारी ह्यूमैनिटी बहुत ही ज्यादा खतरे में है। जिस पर योहान पूछता है कि क्या ये सेवियर भी लड़की है, जिस पर प्रीस्ट हाँ करते हैं, जिससे योहान वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं सीन कट होता है और हम मीहो को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी के ओनर की बेटी थी जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। तभी वहां पर रिपोर्टर्स उसे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगते हैं क्योंकि उसकी कंपनी की रेपुटेशन अभी सही नहीं चल रही थी, लेकिन घबराए बिना मीहो सारे ही क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे से देती है और सारे ही क्वेश्चन टैकल करती है। ये देखकर उसका सेक्रेटरी कांग भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद सभी डिनर कर रहे थे जहाँ पे जांग भी आया हुआ था जो कि उसके फादर का सेक्रेटरी था, लेकिन मीहो जांग से बहुत ही ज्यादा क्लोज थी क्योंकि बचपन से उसके फादर तो काम में ही बिजी रहते थे और जांग ही था जो हमेशा उसके लिए प्रेजेंट रहता था और उसे प्रोटेक्ट करके रखता था, और अब वो रिटायर होने वाला था इसलिए मीहो चाहती थी कि वो रिटायर ना हो बल्कि हमेशा काम करे। लेकिन जांग मना करता है और कहता है कि वो जीजू आइलैंड जा रहा है और वो वहीं पे जाके फार्मिंग करेगा।
लेकिन मियो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। सब बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे मियो की आंटी आ जाती है, जिसे देख के जांग वहाँ से चला जाता है। फिर कांग भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पे उसकी आंटी से थ्रेटन करती हैं और कहती हैं कि इस कंपनी की ओनर मैं हूँ, तुम जो चाहे वो प्रेस में नहीं कह सकती हो। लेकिन मियो से याद दिलाती है कि उसके पास भी बहुत सारे शेयर्स हैं, प्लस उसके फादर के पास भी बहुत सारे शेयर्स हैं। अगर वो दोनों शेयर्स को मिला देगी तो उसकी आंटी कभी भी ओनर नहीं बन पाएगी, जिससे उसकी आंटी उस पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपना एरोगेंस बहुत ही भारी पड़ेगा। लेकिन मियो को इन सब चीजों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन में मियो कांग के साथ म्यूजियम जा रही थी, तभी एक कार अचानक से उनके कार के आगे आके खड़ी हो जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। कांग गुस्से में कार से बाहर निकल के उसके ओनर को भी बाहर आने को कहता है। लेकिन जब दूसरी कार का ओनर बाहर आता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग इंसान था, जिसे देख के कांग डरता है। सेम टाइम पे उसी कार में से एक और पर्सन बाहर आता है। दोनों को देख के समझ आ रहा था कि ये कुछ गुंडे टाइप के लोग हैं, जिनसे कांग थोड़ा सा डरता है। फिर वो दोनों कांग को थ्रेटन करने लगते हैं और ये सब चीजें मियो भी नोटिस करती है। फिर मियो जल्दी से बाहर जाती है और उन दोनों से माफी मांगती है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ड्राइवर की है, माफी उसे मांगनी चाहिए, जिससे मियो कांग को माफी मांगने को कहती है। कांग माफी नहीं मांगना चाहता था, लेकिन फिर भी वो मियो के कहने पे माफी मांग लेता है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि तुमने वो नहीं किया है और उसका सर पकड़ के नीचे कर देते हैं, जिससे मियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसका हाथ हटाने को कहती है। लेकिन वो पर्सन अपना हाथ नहीं हटाता है, जिससे मियो गुस्सा होकर उसे नीचे गिरा देती है और कांग को लेके वहां से जाने लगती है। पता चलता है कि ये सब तो उनका प्लान था और वो सब कुछ चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे। ये देखकर मियो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि वो उनके प्लान में फंस चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि पूरे ही न्यूज में यह बात फैल चुकी है कि कल रात को मियो ने दो लोगों को हरेस किया था और उन्हें मारा था, जिसकी वजह से उसकी और उसकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। जिसके बाद वो अपनी आंटी के पास जाती है और कहती है कि ये सब आप ही का किया कराया था। लेकिन उसकी आंटी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारा दोष तुम्हारा है, जिसे मियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अपने फादर के पास जाती है। लेकिन उसके फादर तो उसी पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कंपनी की सारी रेपुटेशन खराब हो गई है, इसीलिए तुम्हें पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ेगा। मियो कहती है कि सारी गलती आंटी की है, लेकिन उसके फादर उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे अपने एक्शन रिफ्लेक्स करने को कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें कंपनी से दूर जाना होगा और ऐसा करके ही तुम लोगों को समझा पाओगे कि तुम रियल में सॉरी हो। मियो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जांग उसे कहता है कि कुछ टाइम के लिए तुम टीचिंग की जॉब कर लो, जिसके लिए मियो अग्री हो जाती है। फिर जांग उसे कहता है कि मैं भी जेजू आइलैंड जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ जेजू आइलैंड चलो, वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल है जहाँ पे तुम कुछ टाइम के लिए पढ़ा सकती हो, जिसपे वो अग्री हो जाती है। जहाँ पे जांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जिससे वो थोड़ा सा अच्छा फील करती है। नेक्स्ट सीन में वो प्लेन में बैठकर जेजू आइलैंड जा रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसे वहाँ नहीं जाना था। लेकिन कांग को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बड़े आराम से सो रहा था। जब वो जेजू आइलैंड पहुंचते हैं तब कई सारे रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और वो मियो से कई सारे सवाल करने लगते हैं, जिनसे घबरा के मियो वहां से भागती है और जाते जाते वो कांग के पास से कार कीज भी ले लेती है और कांग उन रिपोर्टर्स को रोकने का काम करता है। जब मियो एयरपोर्ट के बाहर निकलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी एक एनर्जी आके उसे टकराती है। सेम टाइम पे हम एक ओल्ड वुमन को देखते हैं, जिसे भी मियो के आने का एहसास हो चुका है और वो मियो के आने से बहुत ही ज्यादा खुश है। यहाँ पे हम मियो को देखते हैं जो कि पार्किंग लॉट में चलते हुए जा रही थी और कांग से बात कर रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं, जहाँ वो मुड़ के देखती है तो एक वेडिंग ड्रेस वाली लड़की कुछ कर रही थी, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज होती है और उसे आवाज लगाती है। पता चलता है ये वही डिमोनिक ब्राइड थी, जो मियो को देख के कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मियो इसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो ब्राइड एक डिमोनिक वुमन में कन्वर्ट हो गई थी। फिर वो मियो का पीछा करने लगती है, मियो भी डरते डरते उससे भागती है। भागते भागते मियो एक पार्किंग लॉट में जाती है और कार के पीछे छुप जाती है। वो ब्राइड भी वहाँ आती है और नीचे झुक के मियो को देखती है, लेकिन मियो उसे दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो कार के दरवाजे पे लटक चुकी थी। लेकिन ब्राइड को पता चल जाता है कि मियो वहीं है, जिससे वो फिर से उसका पीछा करने लगती है। डरते डरते मियो वहाँ से भागती है और ब्राइड भी उसका पीछा करती है। मियो को एक छोटा सा ट्रक दिखाई देता है तो मियो उसमें घुस जाती है और डोर बंद कर लेती है, जिससे ब्राइड अंदर नहीं आ पाती है। मियो डरी हुई अंदर बैठी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि ब्राइड ने अपना हाथ अंदर डाल दिया है, जिससे मियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर ब्राइड वो दरवाजा तोड़ने लगती है और अंदर आने की कोशिश करने लगती है, जिससे मियो तो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। सेम टाइम पे हम उस मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि भागते भागते कहीं आ रहा था। जब वो ब्राइड अंदर आने वाली थी तभी वो मिस्टीरियस मैन आके उसे पीछे से धक्का दे देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। वो मिस्टीरियस मैन उस ब्राइड को रोक देता है। मियो उस होल में से बाहर देखती है तो उसे वो आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वो मिस्टीरियस मैन मियो को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। इसी बीच ब्राइड उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और मियो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस ट्रक के ऊपर कोई था जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मियो डरते डरते देखती है, तभी वहां का गेट ओपन होता है और हम देखते हैं कि मिस्टीरियस मैन वहां खड़ा हुआ है और वो मियो को देखता है। मियो भी
उसे देखती है। तभी अचानक से वही वियर्ड एनर्जी आके उसे टकराती है, जिससे मीहो बेहोश हो जाती है। वो मिस्टीरियस मैन उसे बेहोश होते हुए भी देखता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।